हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे यूज ऑफ वुड मॉडल वर्ब। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको शेल शुड विल मॉडल वर्ब का यूज बताया है। वीडियोस का लिंक दी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, सो देखो, विल और वुड दोनों में ही अगर हम इसको हिंदी में समझे तो दोनों के हिंदी के सेंटेंसेस के एंड में गा वे ही आता है। ओके, बट जो विल होता है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, लेकिन जो वुड होता है वो पास्ट एंड प्रेजेंट के लिए यूज होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। वुड हमारा पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस में भी यूज होता है। ओके, सो सबसे पहला जो यूज है टू टेल पास्ट हैबिट, पास्ट हैबिट बताने के लिए। ओके, आई वुड गो, जैसे सपोज जो काम आप पास्ट में किया करते थे लेकिन अभी नहीं करते। ओके, आई वुड गो टू मॉस्क एवरी मॉर्निंग, मैं हर सुबह मस्जिद जाया करती थी लेकिन अभी नहीं जाती। ओके, तो ये क्या है हमारा पास्ट टेंस। ओके, सॉरी पास्ट मेरी हैबिट है जो थी अभी नहीं है। ओके, बट अब यहाँ पे वुड एक इसका अगर आप यहाँ पे यूज टू यूज करते हो ना, तो भी कोई वुड की जगह आप यूज टू यूज करो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यूज टू यानी कि अगर आप कहते हो आई यूज टू गो टू मॉस्क एवरी मॉर्निंग, आई यूज टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, आई यूज टू वॉश माई क्लोथ एवरी मॉर्निंग, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो गायू वुड वॉश हर क्लोथ्स, ठीक है, गायू वुड वॉश हर क्लोथ्स, गायू अपने कपड़े धोती थी लेकिन अभी नहीं धोती। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया वुड, लेकिन वुड की जगह अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि वुड की जगह आप यूज टू भी यूज करते हो तो भी आपका सही है। ओके, नेक्स्ट है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जब आपको किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी हो, ओके, तो आप वुड यूज करेंगे। वुड यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्या आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो कर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट यूज है वुड यू प्लीज हेल्प इन माय प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या आप मेरी प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वुड यू प्लीज गिव योर नोटबुक, तो इस तरह की पोलाइट रिक्वेस्ट में आप वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको किसी को पोलाइटली यूज करना हो तो आप वुड यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है अनरियल कंडीशन के लिए, ठीक है, अनरियल कंडीशन यानी कि देखो अभी हमने विल में पढ़ा था कि रियल कंडीशन के लिए हम विल यूज करते हैं, हियर है हमारी अनरियल कंडीशन यानी कि जो चीजें नहीं हो सकती वहां पे हम वुड यूज करेंगे। ओके, इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते आई वुड गिव अ बैश, ये आज का हमारा वर्ड है बैश, बैश होता है पार्टी, ठीक है, सो आई मेरे अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको पार्टी देती, ठीक है, पार्टी दू या देती, ठीक है, अगर मेरे पास पैसे होते तो अनरियल कंडीशन है बिकॉज मेरे पास अभी पैसे नहीं है। ओके, इफ यू वर मी, अगर आप मेरी जगह हो, ठीक है, अगर आप मेरी जगह हो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करो, ठीक है, या फिर तो आप क्या करते, ठीक है, इफ यू वर मी, अगर आप मेरी जगह होते व्हाट वुड यू डू, आप क्या करते, तो इस तरह की कंडीशन यानी कि अनरियल, आप मेरी जगह नहीं हो सकते। ओके, तो इस तरह की अनरियल कंडीशन के लिए आप वुड यूज करते हैं। नेक्स्ट जो यूज है हमारा चॉइस, यानी कि सपोज आपके पास दो चीजें हैं, आपको कोई एक सिलेक्ट करनी है तो आप वुड यूज करेंगे, विल यूज नहीं करेंगे, विल यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। ओके, आई वुड वॉच मूवी, यानी कि सपोज आप अपने फ्रेंड के साथ, आपका फ्रेंड कहता है कि खेले या मूवी देखे, तो आपके आई वुड वॉच मूवी, मैं मूवी देखूंगा, ठीक है, आप चूज कर रहे, ठीक है, आई वुड चूज रेड ड्रेस, मैं रेड ड्रेस चूज करूंगी। ओके, सो इस तरह की जहां पे आपको चॉइस बतानी हो तो आप वुड यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट जो है हमारा प्रेफरेंस के लिए भी हम वुड यूज करते हैं, उसमें हम वुड के साथ लाइक टू यूज करते हैं, अभी देख लेते हैं प्रेफरेंस। जब प्रेफरेंस हो यानी कि आई वुड लाइक टू गो टेम्पल, आई वुड लाइक टू गो टेम्पल, ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव टी, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी, यानी कि मैं कॉफी लेना पसंद करूंगा, यानी कि आप अपनी प्रेफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव
सोफी वट आर, ठीक है। यहाँ पे आप हैव या टेक यूज करेंगे। जब आप टी खाने के जब आप टी या कॉफी कुछ भी यूज कर रहे हैं तो आप हैव या टेक यूज करेंगे। आई वुड लाइक टू टेक टी या आई वुड लाइक टू हैव टी, ओके। सो अब हमारा नेक्स्ट जो अब ऑलमोस्ट हमारे खत्म हो चुके हैं, ओके, एक यूज रह गया, अभी वो एक्सप्लेन और कर देते हैं। सिक्स, पास्ट की किसी की कही हुई पास्ट की कही हुई बातों को बताने के, ठीक है, ठीक है। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा दैट ही वुड बाय आर न्यू कार, वह नई कार खरीदेगा, ठीक है। तो ये पास्ट की बात थी, ओके। तो इस तरह को देख लेते हैं, ही सेड टू मी ही वुड He said to me that he would buy a new car. ठीक है, उस he said to me, उसने मुझसे कहा that he would buy a new car, वह नई कार खरीदेगा, यानी कि उसने मुझे पास्ट में कहा था, ओके। तो इस तरह के सेंटेंसेस में यानी कि आपकी नरेशन भी होगी, ओके। सो नेक्स्ट इससे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ही टोल्ड मी ही टोल्ड दैट ही वुड गो टू अफ्रीका। इसकी प्रोनंसिएशन अफ्रीका नहीं होती, इसकी प्रोनंसिएशन होती है अफ्रीका। क्या होती है अफ्रीका। तो ही टोल्ड दैट, उसने कहा ही वुड गो टू अफ्रीका, वह अफ्रीका जाएगा। तो इस तरह की जब भी कोई चीजें होती है, इस तरह से सपोज आपके फ्रेंड ने आपको कहा कि वह काम लेकर वह ये काम करेगा, वह दिल्ली जाएगा, वह पढ़ेगा, ठीक है, तो आप किसी और को बता रहे हैं कि उसने कहा कि वह ऐसा करेगा, तो आप क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे, ओके। तो आज ही कुछ और, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू मॉडल वर्ब्स में भी बताया था। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि वुड के साथ आपकी, वुड के बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे आपका लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दिस इज ऑल्सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ओके। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, हिट कर दीजिए बेल आइकन को, सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। ओके, बाय।